पिछले ओ गुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पाए, पिछले ओ गुण बख्श ले, पिछले ओ गुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पावे, पिछले ओ गुण बख्श ले, पिछले ओ गुण बख्श
जैसा बालक भाई सो भाई, लख अपराध कमावे। जैसा बालक भाई सो भाई, लख अपराध कमावे। कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे। पिछले औगुण बख्श ले, पिछले औगुण बख्श ले। प्रभु आगे मार्ग पावे, पिछले पिछले अवगुण बख्श ले। प्रभु आगे मार्ग पावे, पिछले अवगुण बख्श ले। बख्श ले पिछले अवगुण बख्श ले। बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले। दाता बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले। पिछले ओ गुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पावे। पिछले अवगुण बख्श ले। अंतर जामी सब विद जाने, हर अंतर जामी सब विद जाने। ता किस पे आख सुनाइए, कहने कथन न भीजे गोबिंद। हार भावे पैज रखाइए, वाहिगुरु अवर गोटे में सगली देखी। अवर गोटे में सगली देखी, एक तेरी पिछले अवगुण बख्श ले। पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पावे। पिछले अवगुण बख्श ले, करो बेनती। पिछले अवगुण बख्श ले, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, पिछले औगुण बख्श ले, पिछले औगुण बख्श ले, पिछले औगुण बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले, धन गुरु नानक बख्श ले, धन गुरु नानक बख्श ले, धन गुरु नानक बख्श ले, पिछले औगुण बख्श ले, पिछले औगुण सारे जब ये पिछले औगुण बख्श ले, पिछले औगुण बख्श ले, करो बेनती सच्चे पातशाह हमको अरदास करने का तरीका बता रहे हैं कि जब भी गुरु का प्यारा, गुरु का सिख सतगुरु की हजूरी में आवे,
अपने जप तप सिमरन भजन परोपकार नित नेम पुण्य दान अच्छे कर्मों का अहंकार ना करे। गुरु के चरणों में खड़ा हो के यही अरदास करे, मेरे सतगुरु मेरे पिछले अवगुण बख्श लो और आगे मुझे सत का मार्ग दिखलाओ। प्यार से बोलो श्री, मैं भटक चुका हूं, मैं तेरी राह भूल के बुरे कर्म करने लगा हूं। महाराज संत सुजान सिंह जी वचन करते थे, दुनिया में सबसे बुरा कर्म है जो गुरु का नाम नहीं जपता। प्यार से बोलो श्री, नाम ना जपना ये सबसे बुरा कर्म है, क्योंकि सारे बुरे कर्म यहीं से उत्पन्न होंगे जे आप नाम नहीं जपोगे। प्यार से बोलो श्री, नाम जपोगे अंदर गुरु के उपदेश का प्रकाश रहेगा, और जिसके अंदर प्रकाश होवे, ध्यान देना, प्रकाश में लाइट में कभी भी कोई ठोकर खा के नहीं गिरता, हमेशा गिरेगा ठोकर खा के तो अंधेरे में गिरेगा। इसी तरह जिसके पास गुरु का दिया हुआ नाम है और उस नाम को वो जपता है, जिस वेले नाम के प्रकाश में वो कभी दुनिया के पापों में विकारों में ठोकर नहीं खाएगा। प्यार से बोलो श्री, ठोकरे तो वो खाते हैं जो गुरु को भुला देते, पापों में वो लिप्त हो जाते हैं, गलतान हो जाते हैं, अपने सतगुरु को बिसार के गुरु का नाम भुला के सत्संग की अमोलक घड़ियों को भुला के जिस वक्त सत्संग में आना होता था उस वक्त नींद में सोया रहता। ये नींद ही तो है जिस नींद में हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेषता की नींद में सोए पड़े। प्यार से बोलो श्री, एक नींद है इंसान आंखें बंद करके सोता, एक जागता हुआ भी नींद में है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की नींद में सोया पड़ा है। गुरु के नाम का ख्याल ही नहीं, ना उसको अमृत वेला याद है, ना उसको शाम का समा याद है कि कम से कम मेरे गुरु को मिलने का दो टाइम है, अमृत वेला और शाम का, मैं घड़ी दो घड़ी पांच मिनट दस मिनट अपने गुरु के पास जाके बैठूं, क्योंकि जब मेरी मुश्किलें आती हैं तब मेरा गुरु ही तो उसको दूर करता है। प्यार से बोलो श्री, जे गुरु के साथ बना के रखी होगी, जब आओगे अरदास करोगे गुरु उसे वक्त मुश्किल सुनेगा और दूर करे। किसी के मिनिस्टर के साथ बना के रखी हो, कोई काम पड़ जाए फौरन चले जाते हो, जी हमारा ये काम कर दे, वो भी कहता है ये मेरा मित्र है इसका काम तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह जो गुरु के साथ बना के रखते हैं, मुश्किल में गुरु के पास आते हैं जब, तो गुरु कहता है तू चिंता ना कर, अपने सारे दुख मेरे पास रख जा, बदले में उतने सुख लेके घर चला जा। जब जी साहब की वाणी में रोज पढ़ते हो ना, दुख पर घर सुख घर ले जा, दुख दे जा। गुरु नानक की कैसी दुकान है, नहीं तो आज लोग दूसरों को दुख देने की सोचते हैं, सुख कोई बिरला ही देता है, पर धन गुरु नानक पूर्ण सतगुरु कहते हैं आ भाई अपने दुख मेरे पास रख जा, बदले में मेरे से सुख ले जा। क्योंकि दुख भी हमें अपने पापों की अपनी गलतियों की वजह से लगते हैं। प्यार से बोलो श्री, परमेश्वर का किसी से वैर नहीं कि वो किसी को दुख दे। कोई मां चाहेगी कि उसका बच्चा दुखी हो, कोई मां बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी हो,
पर दुख लगता है तब जब हम गुरु को भुला देते हैं, मन मर्जियां करते हैं, फिर मन मर्जियों का रिजल्ट बाद में ये आता है कि फिर वही मन मर्जियां हमारे शरीर पे रोग बन के आ जाती हैं। प्यार से बोलो श्री। नहीं तो गुरु का स्वभाव तो कैसा है, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सतगुरु सिख को सदा दिया, सिख की गुर दुर मत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुरु सिख के बंधन काटे। प्यार से बोलो ना, सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते घाटे। गुरु तब बंधन काटेगा ये सिख विकारों को छोड़े। एक तरफ तो कहे सतगुरु मेरी मुश्किल दूर कर, मेरे रोग दूर कर, डॉक्टर के पास बैठे दवाई मांगता है, डॉक्टर साहब दवाई दियो, बड़ा रोगी बड़ा दुख लगा है। वो बोलता है वही शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खाना, दवाई ले जाओ। दवाई घर में जाके अलमारी में रख दी और घर वालों को बोलता है चाय में मीठा मत डालना, बेशक लड्डू साथ में दे दे। यार से बोलो श्री। ना परहेज किया, ना परहेज किया और ना दवाई खाई, डॉक्टर के पास पहुंच गया, जी मैं राजी नहीं हो रहा। भाई राजी कितों हुए, ना ता दवाई खादी ते ना परहेज कीता। प्यार से बोलो श्री। साहब कहंदे ने सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। विकारों को त्याग के जब गुरु की शरण में आएगा, गुरु तेरी बांह पकड़े। सतगुर सिख को नाम धन दे। प्यार से बोलो श्री। बर्तन गंदा हो कोई दूध डालता है बीच, हम अपना मलिन मन लेके गुरु के पास, गंदा मन लेके आ जाते हैं, महाराज जी नाम दे दियो। अब कहां से गुरु नाम डाले, बर्तन तो अंदर मन रूपी गंदा। प्यार से बोलो श्री। ये बर्तन पहला साफ कर, सेवा करके संगत की सेवा, अपने गुरु के दर की सेवा, जैसे जैसे सेवा सिमरन करेगा ये अंदर का बर्तन साफ होवेगा। प्यार से बोलो श्री। फिर बर्तन साफ हो गया तो विकार दूर हो गए, हुण सतगुर सिख को नाम तन दे। गुर का सिख वडभागी, जिसको गुरु नाम दे देवे वो तो वडभागी हो गया। प्यार से बोलो श्री। उस जैसा दुनिया में बड़े भागों वाला कोई नहीं जिसके पास गुरु का नाम है। प्यार से बोलो श्री। निगुरे मनुख जिसका गुरु कोई नहीं, जिस धरती पे बैठ जाए वो धरती भी सड़ जाती। निगुरे का है नाम बुरा, आख्या सतगुर सिख को नाम धन दे। गुर का सिख वड भागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख को जिए नाल समारे। जिस तरह माँ अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा के रखती है ना, सतगुरु अपने सिख को हृदय से लगा के रखता है, किधर इसको कल झुकी तत्ती हवा ना लग जाए। प्यार से बोलो श्री। ऐसा एक गुरु का सिख पाई अरदास, ग्वालियर की जेल का दरोगा रोज सुखमनी पढ़ता है। सुखमनी साहब का पाठ सुन के इस जेल में 52 राजे जो कैदी थे, गुरु की बाणी सुखमनी साहब सुन के उनके अंदर भी जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न हो गई। प्यार से बोलो श्री। बोला भाई अरदास ये सुखमनी साहब की बाणी हमको रोज सुनाया करो, ये तो जीवन दाती बन गई है हमारी।
ये किसकी बाणी है? तो भाई हरदास बोलिया, ये मेरे सतगुरु गुरु अर्जन देव जी की बाणी है, जिनकी पवित्र गद्दी पे इस वेले मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी विराजमान हैं। प्यार से बोलो श्री, जो अमृतसर की धरती पे इस वक्त रह रहे हैं। साध संगत, ये कथा विचार शब्द की दास इसलिए हिंदी में करने का जतन कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद में ये समागम हो रहे है। बहुत बड़ी तादाद में गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगत, गुजराती संगत भी बैठी है, जो ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकती। गुरु के ये वचन साखियां शब्द की विचार इसलिए हिंदी में करने का जतन कर रहे हैं कि गुरु की संगत की झोली में ये वचन पढ़े, शायद कोई आत्मा गुरु के चरणों से जुड़ जाए। प्यार से बोलो श्री। भाई अरदास ने कहा, मेरा सतगुरु मीरी पीरी का मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जो अमृतसर की धरती को भाग लगा रहे। अच्छा, रोज बाणी सुनते सुनते, साथ संगत, रोज बाणी सुनते सुनते इन 52 कैदियों को, जो राजे थे कभी, राज भाग के मालिक थे, पर विकारों में पड़ के, बुरे कर्मों में पड़ के अपना राज भाग हार के आज जेलों में बंद हैं। प्यार से बोलो श्री, क्योंकि मनुख जैसी करनी करता है उसको वैसी भरनी पड़ती है। जेल में बंद हैं, पर सुखमनी साहब की बाणी गुरु के सिख की रचना से सुन के जीवन जीने की फिर तमन्ना उठ खड़ी हुई। सुखमनी साहब का पाठ रोज सुनते सुनते सिख की रचना से साथ संगत इन 52 राज्यों को भी सुखमनी कंठ हो गई। प्यार से बोलो श्री। रोज भाई अरदास आगे आगे सुखमनी साहब की पंक्तियां पढ़ता है, पीछे पीछे ये 52 राजे जो कैद में पड़े हैं पढ़ते। एक दिन बेनती करी सब ने, हमको बाहर निकालो, आपके पास बैठ के सुखमनी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। भाई अरदास जो उधर का जेलर था, ग्वालियर की जेल का दरोगा था, सोचने लगा कहीं इनको बाहर निकालूं, मेरे पे हमला ना कर दें। पर देखा इनके मन अब पवित्र हो गए हैं, बानी सुन के विकारों को छोड़ बैठे। कोठड़ियों से बाहर निकाला, संगत रूप में सारे सज गए। आज पाठ हो रहा है सतगुरु सिख के बंधन काटे। पंक्ति आई, एक राजा जो कैदी रूप में था कहने लगा, भाई अरदास गुरु नानक की बाणी सच्ची है, जब इसमें ये लिखा है कि सतगुरु सिख के बंधन काटे, हम भी तो अब गुरु के सिख बन गए हैं, अमृत वेले रोज उठ के पाठ करते हैं, सुनते हैं। प्यार से बोलो श्री, गुरु हमारे बंधन कब काटेगा? आहा, देखो कितना बड़ा प्रश्न कर कि हम अब गुरु की बाणी पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, गुरु को, गुरु नानक को गुरु माना है, विकारों को छोड़ दिया है। भाई अरदास गुरु की बाणी कहती है सतगुरु सिख के बंधन काटे, वो दिन कब आएगा जब गुरु हमारे बंधन काटेगा? क्योंकि उसका नाम है बंदी छोड़ दाता। बंधन काट देओ गुरु जी मेरे, बंदी छोड़ तेरा नाम है। महाराज संत सुजान सिंह जी ये धारणा पढ़ते थे, आओ एक बार सारे पढ़ लो। बंधन काट देओ गुरु जी मेरे, बंदी छोड़ तेरा नाम है। बंधन काट देओ गुरु जी मेरे, के बंदी छोड़ तेरा नाम है। कट दियो जी बंधन, कट दियो गुरु
छोड़ तेरा नाम है बंधन। हमारे भी बंधन कटेंगे, कभी सतगुरु यहां भी आएंगे। विद बन गई सात संगत, चंदू दीवान जिसने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में तसीये दिते, ततियां लोहां ते बिठाया। उसकी नजर थी कि गुरु हरगोबिंद साहब जी को भी मैं ऐसी ही सजा दूं। जहांगीर बादशाह के कान भरे, बादशाह तेरे पे साढ़ सती है, कोई पूर्ण महापुरुष संत प्रभु का प्यारा तेरे लिए 40 दिन ग्वालियर की जेल में भक्ति करे, तेरे सिर से साढ़ सती टल जाए। कौन है वो? आख्या गुरु हरगोबिंद साहब। जे वो ग्वालियर की जेल 40 दिन जाके आपके लिए तपस्या करें तो आपकी साढ़ सती टल जाए। बादशाह ने बेनती की, बादशाह सच्चे पातशाह मेरे लिए 40 दिन तपस्या करो ग्वालियर की जेल में। सात संगत विद बन गई, वहां 40 राजे और भाई अरदास अरदासें करते थे, हे सतगुरु आके दर्शन दियो। सात संगत बोलो श्री गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर की जेल में आए, सब तरफ जय जयकार की धुन हो उठ रही है। प्यार से बोलो श्री। जिस वेगरे साहेब आए, सारे 52 जो राजे कैदी थे भाई अरदास फूलों की वर्षा कर, 40 दिन सतगुरु मेरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहेब ग्वालियर की जेल में रहे। जब बाहर चलने लगे, रोज ये सिख गुरु के पास बैठ के सुखमनी पढ़ते हैं सुनते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने लगे, भाई हरदास तू गुरु नानक का सच्चा सिख है, तेरी संगत करने से ये 52 राजे भी गुरु नानक के सिख बन गए। बुरे कर्म इन्होंने छोड़ दिए, मन इनके निर्मल हो गए वाणी सुन के। महाराज जी कहते थे, कोई एक जगदा दीवा होवे वो कई अनेक बुझे हुए दीवों को जगा देता है। प्यार से बोलो श्री। कोई एक गुरु से जुड़ा हो वो कईयों को गुरु से जोड़ देता है। जब सतगुरु ग्वालियर की जेल से बाहर आने लगे, 52 राजे रोने लगे, पातशाह हमें जीवन दान दिया है, हमको छोड़ के मत जा। साहब कहने लगे बादशाह जहांगीर को, अब हम बाहर तब आएंगे जब इन 52 राजों को छोड़ो। बादशाह सोचने लगा, मैं क्या करूं? कहने लगा, एक शर्त है, जितने राजे आपके चोले की आपके कुर्ते की कली पकड़ लें उतनों को मैं रिहा कर दूंगा। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 50 कलियों का चोला बनाया। प्यार से बोलो श्री। 50 राजों ने एक एक कली पकड़ ली, 2 रह गए। महाराज हमको छोड़ जाओगे? सतगुरु बोले, नहीं, आज जो कुर्ते की 2 तनियां हैं ना, जिससे ऊपर से कुर्ता बांधते हैं, आ एक एक तनी कुर्ते की तुम पकड़ लो। इस तरह 52 राजियों को जेल से बाहर निकाला, सच का जीवन दे के कहा, विकारों को त्यागो, नाम जपो, सिमरन करो, प्रभु भक्ति करो, बुरे कर्मों को त्याग के प्रजा की सच्चे मन से सेवा करोगे, तुम्हारा लोक भी सुखी होगा पर लोक भी सुहेला। प्यार से बोलो श्री। सारे राजे चरण पकड़ के बोले, सतगुरु
पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। पिछले हमारे गुना बख्शो, आगे हमें अपना सच मार्ग दिया है। नाम जपो, अमृत वेले जागो, सत्संग में आओ, गुरु के उपदेशों का पालन करो। साथ संगत ये उपदेश गुरु हरगोविंद साहब जी ने सिर्फ इन 52 राजों को नहीं दिए, सब उन जीव प्राणियों को, संगत को उपदेश सांझा होता है गुरु का दिया। जो भी गुरु के इन वचनों को कमाएगा, अमृत वेले उठेगा, नाम जपेगा, गुरु गुरु जपेगा, सत्कर्म करेगा, बुरे कर्मों का त्याग करेगा, गुरु के उपदेशों का पालन करेगा, उसका लोक सुखी पर लोक सुहेला हो जाएगा। प्यार से बोलो सतनाम। अब कीर्तन की समाप्ति, ये सारे पंक्तियां मिलके पढ़ लो। श्री हरे कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए, करनो कार सत्कृ प्रसाद आनंद भया मेरी माय सतगुरु में पाया रागरतन परिवार बरिया शब्द गावनी आईया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे सदा शिवत सला तेरी नाम मन वसावे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा यादा सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सा पूजाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा यादारो अजे पंच दूत दुद वासे कीते काल कंटक मारिया कहे नानक ते सुख हो आदित कर अनहद वाजे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसुरे संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी संते पुनीत पवित्र सतगुर प्रया पर पूरे मिनवा तानक गुर चरण लागे वाजे अनगत दूरे बोलो सतनाम श्री वाह वाहे गुरु। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया नेम शकत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया नेम शकत गाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल केती छुट्टी नाल केती छुट्टी ना। सतगुरां दा कोटान कोट शुकराना है बाबा जी का महाराज जी का मुनि साहब सू महापुरखों का आईया सरबत रब रूप संगतां का धनवाद। बहुत प्यार है गुजरात अहमदाबाद भावनगर बड़ोदरा दूर दूर से गोदरा से संगतें आई हैं
सबको जी आया नू। इसलिए ये कथा विचार हिंदी में साथ में करते रहे कि बहुत सारी संगत, गुरु प्रेमी सिंधी संगत, गुजराती संगत, ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकती, हिंदी के द्वारा कथा करके संगत को गुरु के वचन श्रवण कराए जाएं। गुरु कृपा करे हम तमाम बुरे नशों से बचें, सत्कर्म करके गुरु की गोद में सदा बैठें, सदा गुरु के चरणों से जुड़ें, लोक सुखी परलोक सुहेला करके जाएं। भुला चुका दी खिमा, सबका धन्यवाद, सबसे अधिक धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, टी सीरीज कंपनी वालों का। खुशियां बख्शो, प्यार सहित फतेह जाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।